नमस्कार, मैं पूर्णिमा द फेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। खबर बलिया से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे बयानों पर योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जमकर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से पाकिस्तान व चीन से मिले हुए हैं, जो दो बार पूरे बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है, वह सामने आ रहा है। यह बातें उन लोगों को भारतीय समाज और भारत की जनता और भी उनको नीचे पहुंचाने वाली है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा बिजली फ्री वाले बयानों पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव बेशर्मी की हद पार करा रहे हैं। 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों की गेहूँ सिंचाई के लिए रात को 2 बजे रजाई छोड़कर खेत में जाना पड़ता था। यह होता था कि हफ्ते में 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में बिजली आएगी, जो बिजली नहीं दे सके। हमारे किसानों की सिंचाई के लिए, छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए वह आज बात कर रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय व तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सोनिया जी से पूछना चाहिए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से पाकिस्तान और चीन से मिले हुए हैं। जो 2 बार पूर्ण बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जय जयकार करते हैं, गुणगान करते हैं, गले मिलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं। यह कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वह सामने आ रहा है। यह बातें उन लोगों को भारतीय समाज और भारत की जनता और भी उनको नीचे पहुँचाने वाली है। अखिलेश यादव बेशर्मी की हद कर रहे हैं। 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे किसान बंधुओं को गेहूं की सिंचाई करने के लिए रात में 2 बजे रजाई छोड़ के खेत में जाना पड़ता था। ये होता था कि हफ्ते में 4 घंटे रात में, 4 घंटे दिन में बिजली आएगी। जो बिजली नहीं दे सके हमारे किसानों को सिंचाई के लिए, हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए, वह आज बात कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय को, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 से 20 घंटे। आज हम बसंतपुर गांव में खड़े हैं और यहां 24 घंटे की बिजली आती है, ये पहले नहीं आती थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान बंधुओं के सेवार्थ सहायतार्थ उनके सिंचाई के बिल को 50% माफ़ करने का जो प्रस्ताव किया है, जो घोषणा की है, उसका हम सभी बहुत स्वागत करते हैं।